हेलो एवरीवन, यू आर वेरी वॉर्म वेलकम टू आवर चैनल बीएल स्टोरी टेलर। और आज मैं आपके साथ ड्रैगन विद पर्ल का नेक्स्ट पार्ट लेके आई हूँ। ये एक वेंजू फैन फिक्शन है। इसका फर्स्ट पार्ट अगर आपने नहीं देखा तो गाइस आप देख सकते हैं, प्लेलिस्ट में मैंने इसकी जो है वो बना दी है कि आप जाकर देख सकते हैं वेंजू फैन फिक्शंस भी। और उससे पहले मैंने सोलमेट्स भी वेंजू फैन फिक्शन शेयर किया था। गाइस, जो सोना गली होती है ना, फिश होती है, वो अपने टापू पे, अपने प्लैनेट पे जो है हमारे वन कशिन को ले आती है। वहाँ पर उसकी एक बहन की बेटी होती है गुशियांग, जो कि मछली थी, और उसे 100 साल बाद वो जो थी मरमेड फॉर्म में आ सकती थी। वो छोटी सी मछली वन कशिन के आसपास घूम घूम के हमेशा उसका ख्याल रखती थी। ये मछली पानी में ही सही और धरती पे भी थोड़ी देर के लिए धरती पे आ सकती थी। मतलब जैसे एक टर्टल पानी और धरती दोनों में रह सकता है, ऐसे वो फिश भी थी, क्योंकि वो आगे चल के मरमेड बनने वाली थी, तो इसलिए उसके अंदर दोनों चीज़ों की कैपेसिटी थी। और वो वन कशिंग, लेकिन वो ज़्यादा देर अभी नहीं जो है पानी से बाहर निकल सकती थी। वो वन कशिंग के आसपास घूमती है, ज़ोर ज़ोर से चक्कर लगाती है और पानी में चली जाती थी। वन कशिंग बहुत ही छोटा सा और क्यूट बेबी हुआ करता था, लेकिन अगर वो रोने पे आता था ना, तो वो पूरा का पूरा प्लैनेट सिर पे उठा लेता था। इस प्लैनेट पे 10-20% ही पृथ्वी का हिस्सा था, बाकी सारा पानी था। और वहाँ पे ना जाने कितने तरीके के, हजारों तरीके के लोग रहा करते थे, जिनमें से एक स्नेक भी हुआ करता था, जिसका नाम था स्कॉर्पियन स्नेक। और वहाँ पर बहुत ही प्रीटी जो है फिशेस मर्मेड्स हुआ करती थी, जिनमें से एक मर्मेड का नाम था, उसका नाम था लियोचनचाओ। लियोचनचाओ जो है वन कशिंग की देख रेख रखा करा करती थी, वो भी एक मर्मेड थी। और जो स्कॉर्पियो किंग था, वो स्कॉर्पियन हुआ करता था, और वो ऐसा स्कॉर्पियन थे जो ना जाने कितने सालों से वहाँ पर रह रहा था। स्कॉर्पियन किंग को हमेशा से लियोचनचाओ मर्मेड बहुत पसंद थी, लेकिन जैसे वो वन कशिंग का ख्याल रखा करती थी, स्कॉर्पियो किंग को ये बिल्कुल भी पसंद नहीं आता था। स्कॉर्पियो किंग भी अपना रूप चेंज कर सकता था, कभी वो मैन और कभी वो बड़े सा स्कॉर्पियो और कभी छोटा सा स्कॉर्पियो बन जाया करता था। वो इस तरह से अपने आप को जो है लियोचनचाओ की नज़रों में लाना चाहता होता था, और वो हमेशा उसे विन करता रहता था। अरे, तुम इसका ख्याल क्यों रख रही हो, तुम तो मुझसे बात ही नहीं करती। उसे बहुत जलन फील होती थी कि ये छोटा सा बच्चा जब से आया है तब से लियोचनचाओ मुझसे बात नहीं कर रही है। वन कशिंग भी जो है वहाँ पर खिलखिलाकर जो है हंसा करता था। और ऐसे ही देखते देखते जब 10 साल बीत जाते हैं, तब वन कशिंग जो है 1 साल का हो जाता है। मैंने कहा ना गाइस, उसका एजिंग प्रोसेस रोक दिया था उसके पेरेंट्स ने, क्योंकि उन्होंने अपना अपना ड्रैगन स्केल जो है शीलियन की, सॉरी, जो वन कशिंग होता है उसकी बॉडी के अंदर समा दिया था, जिसकी वजह से जो है वन कशिंग जो है उसे इतनी ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं हो सकती थी। और उसकी एजिंग प्रोसेस स्लो चल रहा था, ताकि धीरे धीरे ही सही वो इस पृथ्वी पर ज़्यादा टाइम बिताए, और मतलब इस प्लैनेट पे ज़्यादा टाइम बताए, और आगे चल के जो है वो हेल्प कर दे उस वाइट पर्ल को पाने में, जो कि वाइट यूनिकॉर्न का पर्ल होगा, उसे पाले और वो अपने डायनेस्टी को वापस पा सके। आज उससे मिलने वन कशिंग के जो बाबा होते हैं, वन बशिंग, वो मिलने आते हैं, पर उनका रूप ट्रांसपेरेंट ही होता है। और उनकी मदर जो होती हैं वन कशिंग की रानी वन, वो भी मिलने आती हैं। वो लोग जो हैं धुंधले तरीके से, ट्रांसपेरेंट तरीके से ही होते हैं जब वो अपने बेटे से मिलते हैं उसके जन्मदिन पे। वो लोग थोड़ी देर उसके पास बैठते हैं, लेकिन उन्हें वहाँ पर कोई और नहीं देख सकता था सिवाय वन कशिंग के। वो अपने पेरेंट्स को देख के ज़ोर ज़ोर से एक छोटे से बच्चे की तरह खिलखिला रहा होता है। हालाँकि उसे पैदा हुए हुए 10 साल हो गए होते हैं, पर एजिंग प्रोसेस रुकने की वजह से वो जो है सिर्फ 1 साल का ही दिख रहा होता है। उसके पेरेंट्स अपने बेटे को देख के खुश होते हैं और होप करते हैं कि उनका बेटा बड़ा हो जल्दी से और वो वाइट ड्रैगन पर्ल ढूंढ ले, जिसके बाद वो उन्हें उस ब्लैक होल के चंगुल से छुड़ा ले। एक्चुअली ब्लैक होल में जाने के बाद वो लोग जो थे उनकी पूरी पृथ्वी नष्ट हो गई थी, लेकिन वहाँ पे कुछ बंदे फिर भी अभी भी जिंदा थे और वहाँ रुके हुए थे। और वो लोग सिर्फ होप कर रहे होते हैं कि वो जैसे तैसे गोल्डन डायनेस्टी के लोगों से भी रابطہ करें, हो सकता हो ब्लैक होल के पास जाने के बाद
गोल्डन डायनेस्टी से भी कुछ इमॉर्टल बच गए हों। उसके पेरेंट्स सिर्फ इसलिए बचकर जो है ट्रांसपेरेंट हो गए थे क्योंकि वो लोग भी इमॉर्टल थे, और ब्लैक ड्रैगन जो उनकी शक्ति थी वो भी इस असीम दुनिया में सबसे असीम शक्ति मानी जाती थी। वो अपने बेटे को देखने आते हैं, लेकिन उन्हें ट्रांसपेरेंट होने का श्राप भी इसलिए मिल गया था क्योंकि उन्होंने ना जाने कितने इनोसेंट लोगों को पर्ल के चक्रों में मारना शुरू कर दिया था, जिसकी वजह से वो जिंदा तो थे लेकिन ट्रांसपेरेंट थे, एक आत्मा की तरह ही इधर उधर घूम रहे थे। वो चाहते थे वन कशिंग जल्दी से बड़ा हो, तब तक वो भी अपनी थोड़ी शक्ति को यूज़ करके उसे वाइट पर्ल के बारे में बताना शुरू कर दें। लेकिन वन कशिंग यहाँ पर बहुत ही खुशी से खिलखिलाहट से रहना शुरू कर देता है, और उसे देखते ही देखते ऐसे 100 साल बीत जाते हैं। तभी वन कशिंग जो है वो सिर्फ अभी 10 साल का दिख रहा होता है, क्योंकि मैंने बताया ना गाइस, उसकी एजिंग प्रोसेस इतना कम था कि अगर वो 1 साल का होता था तो सिर्फ 1 महीने का ही लगता था, 1 महीने सवा महीने का। और ऐसे ही जब वो 100 साल का हो जाता है तब वो सिर्फ 10 साल के बच्चे जैसा ही दिख रहा होता है। तभी वहाँ पर खबर फैलती है कि एक पास की गैलेक्सी में बहुत बड़ा हमला हुआ है और सब कुछ तबाह हो गया, और वो जो हमला हुआ है उससे उसकी वजह से जो ये सोना गली होती है इसकी वहाँ पर एक बहन एक दोस्त रह रही होती है, जिसका बच्चा वो यहाँ ले आती है। उस छोटे से बच्चे का नाम जो है हमारे और कुछ नहीं ज़ोज़िशु होता है, जिसका नाम आशु भी होता है, अशु। लेकिन ज़ोज़िशु को वो जैसे ही वहाँ लेके आती है वो बहुत ही क्यूट सा इनोसेंट सा बच्चा होता है, बहुत ही प्यारा सा बच्चा होता है। वन कशिंग जैसे ही 10 साल का हो जाता है, उसका एजिंग प्रोसेस जो है उसके पेरेंट्स उसमें से मतलब स्केल तो रहता है लेकिन एजिंग प्रोसेस का जो बंडल होता है वो उसके पेरेंट्स उसके ऊपर से हटाकर चले गए होते हैं, ताकि उनका जो बेटा है ना वो अब अपनी ग्रोथ से बढ़े, ताकि वो अगर धीरे धीरे बढ़ता रहेगा तो ना जाने कितने साल उन्हें तड़पना होगा। और अब वो ये चीज़ अफोर्ड नहीं कर सकते थे क्योंकि उनकी शक्ति भी उस ब्लैक होल में कम होती जा रही थी, इसलिए वो लोग एजिंग प्रोसेस तो वन कशिंग से हटा देते हैं लेकिन उनके स्केल की शक्तियाँ आज भी उसमें सीमित तौर पर बढ़ रही होती हैं। वन कशिंग जो है 10 साल का जैसे ही मतलब 100 साल का हो जाता है, लेकिन वो अभी भी 10 साल का दिख रहा होता है, तब वो अपने पेरेंट्स से पहली बार मिलता है और उनसे बहुत सारी बातें करता है। उनके पेरेंट्स की जो वो जो ट्रांसपेरेंट जो बॉडी होती है या जो आत्मा टाइप वो दिख रहे होते हैं, वो उसे समझाती है कि बेटा तुम्हें जो है आगे चल के वो वाइट यूनिकॉर्न का जो पर्ल है वो कलेक्ट करना है। अगर तुमने कलेक्ट कर लिया तो तुम अपने माँ बाप अपनी डायनेस्टी को वापस पा सकते हो, मगर अगर तुम उसे वापस नहीं ला पाए तो बेटा एक दिन तुम मुझे भी खो दोगे और तुम भी इमॉर्टल कभी नहीं बन पाओगे। हम लोग इमॉर्टल थे लेकिन देखो आज हमारी क्या हालत हो गई है। तुम्हें उस श्राप का पता लगाना होगा और उस श्राप के तोड़ का भी, और तो और तुम्हें यूनिकॉर्न का पल बेटा कुछ भी कर लेना होगा, जिससे तुम हमें हमारे लोगों को ना अभी भी वहाँ पर कुछ लोग बंदी बने हुए हैं हम सबको छुड़ाना होगा। हम में तो शक्ति हैं लेकिन धीरे धीरे वो लोग अपनी शक्तियाँ लूज़ कर रहे हैं, ऑलरेडी 100 साल से वो ब्लैक होल में बंदी बने हुए हैं। हम जो गोल्डन डायनेस्टी है उसकी भी जो है तलाश कर रहे हैं लेकिन अभी तक हमें कोई भी ट्रेस किसी भी चीज़ का नहीं मिला है। हम चाहते हैं कि तुम जल्दी से वो जो वाइट यूनिकॉर्न का पर्ल है उसे ढूंढो, अपनी शक्तियों को पहचानो, अपनी मार्शल आर्ट को तगड़ा करो और अपनी शक्तियों की प्रैक्टिस करो, ताकि अगर कभी फ्यूचर में युद्ध हो तो तुम उस युद्ध को जीत पाओ। वन कशिंग को वो ये सारी बातें कहते हैं। वन कशिंग भी अपने माँ बाप को हक करना चाहता था लेकिन वो कभी अपने माँ बाप को इन 100 सालों में हक नहीं कर पाता था। जब से वो 5 साल का हुआ था, यानी कि जब से वो सिर्फ 50 साल पहले से ही वो अपने पेरेंट्स को देखने और समझने लगा था। उसके पेरेंट्स उसके बर्थडे के ओकेशंस पे हमेशा आया करते थे। वो हमेशा अपने पेरेंट्स को हक करना चाहता था लेकिन वो सिर्फ ट्रांसपेरेंट होते थे, वो कभी उन्हें अपनी बाहों में नहीं भर पाता था। और उसे ये बहुत मलाल होता था कि वो अपने एक दिन बड़ा होगा, अपने पेरेंट्स को ढूंढ निकालेगा और वापस इस जगह पे लेके आएगा। वो सोना गली से भी बहुत प्यार करता था, वो उसका माँ की तरह ख्याल रखती थी। और घुशियांग एक मछली थी, और अब घुशियांग भी जो है वो मरमेड की फॉर्म में आ गई थी क्योंकि 100 साल कंप्लीट हो चुके थे।
हुशियंग जो है वो वनके सिंह के पास रहती है और उसकी बहुत ऑबिडेंट थी जो अभी वो जो है मछली कन्वर्ट होती है मरमेड में, लेकिन वो बेबी मरमेड होती है, वो भी धीरे धीरे बढ़ रही होती है। वनके सिंह भी उसका बहुत क्यूटली ख्याल रखता है, उसे पता था कि जल्द ही जो हमारी हुशियंग है वो एक अडल्ट मरमेड में कन्वर्ट हो जाएगी। जब वहाँ पर उन्हें पता चलता है कि एक और प्लैनेट, एक और गैलेक्सी के प्लैनेट पे हमला हुआ है, तब जो हमारी सोनागली होती है वो कहती है कि वहाँ पे मेरी एक दोस्त रहती थी, मैं भी उसका बच्चा यहाँ पर लेके आना चाहती हूँ। जब वनके सिंह के पेरेंट्स उससे मिलकर वापस ब्लैक होल की तरफ चले जाते हैं, तब सोनागली वहाँ पर दूसरे प्लैनेट पे जाकर वहाँ से एक बच्चा, छोटा सा क्यूट सा लेके आती है। वो बच्चा 10 साल का ही था लेकिन बहुत मासूम, बहुत क्यूट था। उसको मार्शल आर्ट और हर चीज़ की नॉलेज हुआ करती थी, लेकिन बहुत ही फ्रजाइल, बहुत ही सॉफ्ट, बहुत ही क्यूट सा बच्चा वनके सिंह वहाँ देखता है। उस बच्चे को देख के वनके सिंह को बहुत ही अच्छा फील होता है, वो उसकी तरफ दोस्ती का हाथ बढ़ाता है, लेकिन वो बच्चा डर जाता है। वनके सिंह उसे कहता है, डोंट वरी, तुम्हें डरने की ज़रूरत नहीं है शेडी, मैं तुम्हें हमेशा प्रोटेक्ट करूँगा। और डोंट वरी, क्या हुआ, जो भी हुआ होगा, देखो मेरे पास भी पेरेंट्स नहीं, लेकिन मैं एक स्ट्रांग बॉय हूँ, तो तुम्हें भी स्ट्रांग बॉय बनना पड़ेगा शेडी। वैसे तुम्हारा नाम क्या है? तभी ज्योतिषु कहता है, मेरा नाम ज्योतिषु है। वनके सिंह कहता है, वाओ, तुम्हारा नाम तो बहुत प्यारा है शेडी, मेरा नाम वनके सिंह है और मैं एक ब्लैक ड्रैगन हूँ। वो प्राउडली ये सब बोला करता था क्योंकि उसे बहुत प्राउड था। तभी वो छोटा सा बच्चा कहता है, और मैं, मुझे तो पता ही नहीं मैं क्या हूँ, मुझे नहीं पता। और वो ज़ोर ज़ोर से रोने लगता है, लेकिन वनके सिंह कहता है, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, हो सकता है तुम रैबिट हो, या फिर तुम रैट हो, या फिर तुम लायन हो, हो सकता है तुम कुछ भी हो, तो डोंट वरी, तुम्हें डरने की ज़रूरत नहीं है। मैं भी अभी अपनी ब्लैक ड्रैगन वाली फॉर्म में कम्प्लीटली नहीं आया हूँ, जब मैं बड़ा होऊंगा ना तो मेरी वो फॉर्म धीरे धीरे आने लगेगी, तो तुम भी टेंशन मत लो, हम दोनों साथ साथ जानेंगे कि हमारी शक्तियाँ कैसी हैं। दोनों के दोनों बहुत क्यूटली एक दूसरे को सहारा देते हैं, एक दूसरे को हक करते हैं और एक दूसरे के बेस्ट फ्रेंड बन जाते हैं। तभी उन्हें एक स्टोरी सुनाई जाती है, एक प्यारी सी स्टोरी जो उनकी मदर उन्हें सुनाती है। वो स्टोरी होती है दो लव बर्ड्स के बारे में, जो कि मेल थे और सोलमेट्स थे और वो कल्टिवेटेड पार्टनर्स भी थे। ये स्टोरी उन दोनों बच्चों को बहुत अच्छी लगती है, जिस स्टोरी में वो बताती हैं कि एक बार एक बहुत प्यारे से टाइम में शुमा करके एक लड़का हुआ करता था जो गोल्डन डायनेस्टी का हुआ करता था, लेकिन उसे जो प्यार था शुमा को, वो एक दूसरी डायनेस्टी की फ्लावर गर्ल से हो गया था जो कि पानी की रानी मानी जाती थी, और शुमा, सॉरी, पानी का राजा माना जाता था। शुमा को उस लड़के से, जिसका नाम शुमा के दूसरे लवर का नाम शुये था, और शुये से शुमा को बहुत ज़्यादा प्यार हो जाता है। दोनों आपस में कल्टिवेटेड पार्टनर बन जाते हैं और इस दुनिया पे राज करने की सोचते हैं, लेकिन ना जाने क्या हुआ कि एकदम से गोल्डन डायनेस्टी में ऐसा कहर टूट पड़ा कि शुमा और शुये दोनों ही अलग हो गए थे। गाइस, इनमें शुमा और शुये की स्पेलिंग अलग है लेकिन प्रोनंसिएशन सेम है। शुमा जो है वो गोल्डन डायनेस्टी से था, गोल्डन ड्रैगन था, और वो वाटर का राजा था शुये। शुये बहुत ही क्यूट होता है और बहुत ही इनोसेंट होता है। शुमा के गायब हो जाने के बाद किसी को नहीं पता शुये कहाँ चला गया। कुछ कहते हैं सेक्लूजन में, कुछ कहते हैं कुछ और कि वो मर गया होगा, कुछ कहते हैं कि शायद वो शुमा के साथ ही जो है पाताल लोक चला गया, लेकिन किसी को भी कुछ नहीं पता था। ये चीज़ें सुनते ही तो शिशु थोड़ा सैड हो जाता है, लेकिन वनके सिंह उसका हाथ पकड़ के कहता है, डोंट वरी, शुमा और शुये को हम दोनों मिलके ढूंढेंगे और मैं भी तुम्हारा कल्टिवेटेड पार्टनर बनूंगा जैसे शुमा शुये का था। वो दोनों एक दूसरे से देखकर हंसने लगते हैं और उन दोनों को देखकर जो हमारी सोनागली होती है वो भी हंसने लगती है। वो मछली थी, मरमेड थी, लेकिन इन दोनों को, वो जानती थी इन दोनों की रियल आइडेंटिटी क्या है, लेकिन उसे इन दोनों बच्चों के बीच इस तरह से दोस्ती होते देख बहुत अच्छा फील होता था। वो विश करती थी कि फ्यूचर में ये दोनों सेफ रहें, कोई भी बुरी शक्ति इन दोनों की इनोसेंस को कभी ना छीन ले, कभी भी इन दोनों में दूरियां ना आए। बट
यही सोचते सोचते जो है मैं इस चैप्टर का अंत कर रही हूँ। आई होप आपको ये स्टोरी लाइन अच्छी लगी हो गाइस। अच्छी लगी हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब, वीडियोस को लाइक और दोस्तों के साथ शेयर कर दें और कमेंट सेक्शन में बताएं आपको ये स्टोरी कैसी लगी है। थैंक यू वेरी मच, बाय बाय।